ईद मिलादुन्नबी की हकीकत तीसरा भाग। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माहे रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी की बहुत ज्यादा फजीलते हैं। मैं आज ऐसा फजीलत लेकर हाजिर हूँ जिससे आपकी तमाम परेशानियाँ मुसीबतें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। 12 रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी का दिन सबसे पाक दिन माना जाता है। इसमें तमाम मुसलमान घर में रोशनी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। 12 रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी का दिन बहुत बरकत वाला दिन है। इसकी बहुत फजीलते हैं क्योंकि इस महीने में सारी कायनात दो जहां के आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। रबी उल अव्वल रहमतों और बरकतों का महीना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया को रोशनी और हिदायत मिली है। वैसे तो सारे महीनों की अपनी फजीलतें हैं, पर रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी के महीने की एक खास फजीलत है जो दुआ मांगे इंशाल्लाह जरूर कबूल होंगी। आज मैं आप सभी के खिदमत में 12 रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी की वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं, जिससे आप 12 महीने पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर जायज मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। आप इस वजीफे को कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह शाम उठते बैठते ये वजीफा है दरूद शरीफ का। दरूद शरीफ को जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और खैर बरकत से नवाजता है। और चाहे वो माली परेशानी हो या कुछ और, अल्लाह सभी परेशानियों से निजात अता फरमाएगा। इस वजीफे के साथ साथ नमाज के पाबंदी का खास ख्याल रखे। अल्लाह पाक से जैसे गुमान करोगे वैसा ही होगा। ये वजीफा दरूद शरीफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर 10 रहमतें नाजिल होगी और उसके 10 दर्जात बुलंद होंगे और उसके 10 गुनाह भी माफ हो जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कुछ बातें। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब था। जब वो 6 साल के थे तो उनके वालदा का भी इंतकाल हो गया था। उनके वालदा का नाम बीबी आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 25 साल की उम्र में एक बेवा से हुआ जिनका नाम खदीजा बिन्त वलिद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल 6 महीने 10 दिन पीर की रात 21 रमजान को नबूवत की ताज पोशी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े और आखिरी दुनिया में आने वाले नबी हैं। इनके बाद कयामत तक कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएंगे। इन्हीं के ऊपर कुरान भी नाजिल हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।